नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं अब तक। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, उस चीज़ का हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास डी में किस प्रकार की आग आती है? तो क्लास डी में जो है दोस्तों बिजली की आग आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद करें, कुछ लोगों को याद भी होगा ही। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर किस आग पर प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ए, तरल पदार्थ की आग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, एस्टरीन व ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है? तो इसका आंसर है मैरून और काला। तो इसका आंसर हुआ डी। इसके बाद फोर्थ, स्टील उल का अल्पतमान होता है दोस्तों? तो स्टील उल का अल्पतमान जो होता है आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, 0.50 mm, यानी कि 0.5। इसको अगर शॉर्ट में भी आ सकता दोस्तों लिखा हुआ, 0.5 mm भी लिखा सकता तो वो भी आंसर का सही होगा। इसके बाद चलते हैं फाइव क्वेश्चन पर। फाइव क्वेश्चन है, किसी जीरी या सलोट की माप लेते हैं हुक रूल्स है? इसका आंसर हुआ हुक रूल्स है। किसी जीरी या सलोट की जो माप लेते हैं हुक रूल से लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का कोण होता है? तो ट्राई स्क्वायर का कोण जो है 90 डिग्री होता है। आप लोग सब जानते होंगे ट्राई स्क्वायर मतलब दोस्तों हिंदी में उसका जो नाम है उसे गुणिया बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, एक मील बराबर होता है 1760 गज। एट क्वेश्चन है, हैमर का कौन सा भाग सॉफ्ट होता है? तो दोस्तों हैमर का जो सॉफ्ट भाग होता है वो चिक होता है। आप अपनी बुक्स में जो है देख सकते हैं चिक जो है कहाँ बना होता है हैमर के, तो आप पेन और फेस के बीच की जो दूरी होती है उसके साइड में जो है वो चिक का भाग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है खुद बनाए गए हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सारे ही अवेयरनेस फैक्ट्री में आए हैं, तो आप ऐसा ना समझें, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निकल के नाइन। तो नाइन क्वेश्चन जो है निकल आता है, ये आया निकल के, तो आया है 2 फुट 2 इंच को सेंटीमीटर में बदलो। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 66.04। आप बदल के देख सकते हैं, अगर किसी को समझ में ना आए किस तरह से बदलना है तो मैं आपको बता दूंगा। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने एडिटिंग कर दी है इसमें, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लेना। इसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, समांतर रेखा व गोल जॉब का सेंटर निकालने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, जैनी कैलिपर। थोड़ी दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में, मोबाइल से बनाई जा रही है, अभी मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है वीडियो बनाने की, तो हाँ निकल गया। तो सी इसका आंसर है सी, जैनी कैलिपर। इसके बाद है दोस्तों 11th क्वेश्चन, कैलिपर का माप लिया जाता है सी, रिविट से सेंटर से लेग के पॉइंट तक। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद 12th क्वेश्चन चलते हैं, कैलिपर का न्यूनतम माप क्या होता है? तो दोस्तों कैलिपर का न्यूनतम माप जो होता है 0.5 mm होता है, यानी कि 0.5 तक उसको हम आसानी से कोई भी मेजरिंग उससे जो है कोई सर्किल वगैरह जो है चाप वगैरह लगा सकते हैं। जैसे ही स्टील रूल होता है सेम इसी की जो है न्यूनतम माप सेम होता है 0.5 स्टील रूल का, 0.5 कैलिपर का। इसके बाद चलते हैं 13th क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर की त्रुटि को कैसे चेक करेंगे? दोस्तों ट्राई स्क्वायर की त्रुटि की जो हम ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, कैलिपर द्वारा, उपरोक्त सभी। दोस्तों सरफेस प्लेट पर जो है हम ट्राई स्क्वायर की त्रुटि को आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में अंडरकट होता है? तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर में जो अंडरकट होता है जॉब के बर को स्थान देने के लिए होता है, ये याद रखें आप। अंडरकट आपने देखा होगा ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड और स्ट्रोक होता है उसके जहाँ वो जॉइंट होता है उसके ऊपर की साइड एक कट लगा होता है, उसे हम जो है अंडरकट बोलते हैं। इसके बाद है 15th क्वेश्चन है, ड्राइंग के अनुसार जॉब की सतह पर समांतर सीधी रेखाएं व सेंटर लाइन खींचने को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों सी, मार्किंग लेआउट। इसका आंसर है सी, मार्किंग लेआउट। इसके बाद 15 खत्म कंप्लीट हुआ। 15 के बाद चलते हैं दोस्तों 16 पर। तो 16 क्वेश्चन आया है हमारे सामने ये, तो 16th क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल किस धातु की बनी होती है? दोस्तों मार्किंग टेबल जो है कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और आप बी ऑप्शन देख सकते हैं, ये है माइल्ड स्टील। तो दोस्तों मार्किंग टेबल का जो स्टैंड होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, आप ये याद रखें। इसके बाद चलते हैं 17th क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट का आकार होता है? दोस्तों सरफेस प्लेट जो है आयताकार व वर्गाकार दोनों में होती है, तो इसका आंसर हुआ सी, ए व बी दोनों।
इसके बाद 18 चलते हैं, सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है फाइन ग्रेन कास्ट आयरन। काफ़ी बार जो है फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फाइन ग्रेन कास्ट आयरन की। 19 क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रतिशत हाई स्पोर्ट में, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद 20 है, डबल कट फाइल का प्रयोग किस फाइलिंग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, स्टील पर। डबल कट फाइल का जो प्रयोग करेंगे हम, स्टील पर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 21 क्वेश्चन आया है, मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किस के द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है? तो इसका आंसर है मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस, तो इसका आंसर हुआ सी। इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये वाला, 22, किसी ब्लैक स्मिथी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पैटर्न और गर्म जॉब की मार्किंग या मेजरिंग के लिए किस प्रकार, दोस्तों किस लिखा है, किस प्रकार रूल का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के रूल का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हुआ सी, श्रिंक रूल। ब्लैक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वाला, तो ब्लैक स्मिथी शॉप में जो है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखें जरूर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं 23, वाइस का मूवेबल जॉय स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता, इसका कारण यह है कि, क्या कारण है आप जानते हैं तो बताइए? तो इसका हम बताते हैं आपको, इसका आंसर है बी, स्पिंडल की पिन टूटी हुई है। तो इसका आंसर हुआ बी, स्पिंडल की पिन टूटी हुई है। 23 कंप्लीट, 23 के बाद चलते हैं हम, 23 के बाद चलते हैं यह 24। तो 24 क्वेश्चन निकल कर आता है ये, एक मीटर बराबर होता है, दोस्तों ए ऑप्शन दे सकते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, और बी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं कि ए आंसर भी सही है, दोस्तों ये मैंने खुद बनाया था अपने कोचिंग सेंटर के लिए, तो इसका आंसर जो है बी लगा सकते हैं आप, बी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर और इसमें वो लिखा है और 1000 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर होता तो इसका आंसर जो है बी लगा, इस तरह से क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन मैं कन्फ्यूजन के लिए मैंने बनाया है क्वेश्चन अपने आप ही, तो इसका आंसर मैंने बी डाल दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन चलते हैं, 25, इंचों को मिलीमीटर बनाने के लिए गुणा करते हैं, तो इसका आंसर है बी, 25.4 से इंचों को मिलीमीटर बनाने के लिए हम गुणा कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता भी होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक पाउंड बराबर होता है, अब आप कहेंगे एक पाउंड बराबर तो 453 केजी के, सॉरी 453 ग्राम होता है, लेकिन इसमें आंसर हमने क्या लिखा है, 0.453 किलोग्राम, केजी का मतलब किलोग्राम। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर किलोग्राम लिखा आएगा तो आप हम जो है इसे इस तरह से लिखेंगे, और ग्राम लिखा आएगा तो केवल हम 453 ग्राम लिखेंगे। तो एक पाउंड बराबर वैसे तो होता है दोस्तों 453 ग्राम, लेकिन अगर हम उसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से भी आ सकता है लिखा हुआ, ये क्वेश्चन भी मैंने अपना बनाया था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 27, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन है 27, एक मीटर बराबर होता है, तो एक मीटर बराबर होता है दोस्तों 39.37 इंच, ये याद रखें, ये सबको याद होना चाहिए आज की डेट में, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये आया भी है कई बार और आगे भी आता रहेगा क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं 28 पे, 28 क्वेश्चन आता है निकल के, एंगल प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है? तो दोस्तों एंगल प्लेट जो है दो ग्रेड में पाई जाती है, एक और दो में, ए और बी ना डालें, एक और दो ही इसका आंसर सही है। इसके बाद है 29 क्वेश्चन है, तंग स्थानों में जहाँ पर स्क्रू थ्रेड के ऊपर खुली जगह ना हो, स्क्रू खोलने के लिए आप कौन से स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, तो इसका आंसर है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, एलन की तरह होता है दोस्तों, दोनों साइड से मुड़ा हुआ होता है, जिसे हम पेचकस भी बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का। इसके बाद चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये है, 30 क्वेश्चन है, स्क्राइबर का प्रयोग करते समय उसका झुकाव कोण होता है, या उसका झुकाव कोण, दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 50 डिग्री, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम इसमें 30 डिग्री लगा सकते हैं, तो उसका आंसर हुआ सी, 30 डिग्री। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको,
ये क्वेश्चन सब जो हैं आप ही की बुक में से बनाए हुए हैं, आप ये ना सोचें कि ये तो हमें आते हैं, ये तो हमने हमारी बुक में भी दिया है। दोस्तों हमेशा याद रखें, जो हमें क्वेश्चन आते हैं हम उसी को गलत करके आते हैं। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आपने नोट भी किया होगा, जो क्वेश्चन आते हैं हम उसको गलत करके आते हैं। तो दोस्तों आते हुए जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं उनको दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, उन्हें पढ़ते रहें, तो हमें जो है कभी भी हमारा क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। और दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा सकूँ और उन्हें गाइड कर सकूँ। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए बहुत समय और बहुत टाइम देना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट भी करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।